महाठक किरण पटेल ने अमदावाद में लवायो छे। किरण पटेल ने अमदावाद ग्रामे कोर्ट में रजू करवामां आव्यो छे, जेमां किरण पटेल ना रिमांड क्राइम ब्रांच मांगशे। जो तेना रिमांड मळे तो किरण पटेल ने लई क्राइम ब्रांच जवाशे। उल्लेखनीय छे कि किरण पटेल ने जम्मू और काश्मीर पुलिस वडाप्रधान कार्यालय अधिकारी तरीके और छेतरपिंडी करने बदल धरपकड़ करी हती। जो कि आ फरियाद अमदावाद स्थित वरिष्ठ नागरिक जगदीश चावड़ाए नोंधावी हती, जेमणे तेमना बंगला ने रिनोवेशन करवाना बहाने छेतरपिंडी करवानो आरोप मूक्यो हतो। अमदावादना शहर कोटड़ा पोलीस स्टेशन में लोको द्वारा होबाड़ो करवामां आव्यो हतो, जेमां लुखा तत्वों ने असामाजिक तत्वों आतंक थी स्थानिको परेशान थईने 200-300 लोगों टोळुं पोलीस स्टेशन पहोंच्यु हतुं। पोलीस द्वारा लुखा तत्वों और असामाजिक तत्वों सामे कोई कार्यवाही न कराता स्थानिको पोलीस स्टेशन में होबाड़ो मचाव्यो हतो। जूनागढ़ माड़िया हाटी नानी सरकारी हॉस्पिटल में रखड़ता श्वानना आटा फेराना कारणे हॉस्पिटल में अनेक तर्क वितर्क सर्जाया हता। माड़िया हाटी नानी सरकारी हॉस्पिटल में सारवार वोर्ड पास श्वान बेसता होय एवा दृश्य जोवा मळता हॉस्पिटल तंत्र पर सवाल उठ्या छे। अमदावाद बाद वडोदरा में पण नवी केटल पॉलिसी अमली थशे। नवी केटल पॉलिसी नो अमल करवा कोर्पोरेशन नी स्थायी समिति में दरखास्त कराई हती। रखड़ता ढोरना कारणे मौत थता रूपया 5 लाख अने इजाग्रस्त ने रूपया 50,000 वळतर सूचन करायुं छे। एक ज पशु मालिक त्रीजी वखत गुनो करे तो बिनजामीन पात्र गुनो अने ढोरवाड़ा कायमी बंद करवानुं पण सूचन करायुं छे। सुरेन्द्रनगरना धांगध्रामां पत्थरनी लाटीमां काम करता 34 वर्षीय युवकने इलेक्ट्रिक शॉर्ट लागता मौत निपज्यूं हतुं। 34 वर्षीय युवक पत्थर घड़वानुं काम करतो हतो, ते दरमियान युवक ने शॉर्ट लाग्यो हतो। घटनानी जाण थता पीजीवीसीएल विभागना अधिकारीओ स्थळ पर पहोंची युवकना मृतदेहने सरकारी होस्पिटलमां खसेड्यो हतो। जिल्लामां छेल्ला 5 दिवसमां इलेक्ट्रिक शॉर्टथी 3 लोकोना मौत थया छे। तापीमां शहर अने ग्रामीण विस्तारमां वरसादी माहोल सर्जायो हतो। व्यारा शहरना बस डेपो स्टेशन रोड सहितना विस्तारमां वरसादी माहोल जाम्यो हतो, तेमज शहरना केटलाक विस्तारोमां धोधमार वरसादी झापटा तो केटलाक विस्तारमां धीमी धारे वरसाद वरस्यो हतो। राज्यना मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेले मेहसाणा खाते बहुचर माना दर्शन करीने आशीर्वाद लीधा हता। त्यारबाद क्षत्रिय दरबार क्षत्रिय ठाकोर समाजना सम्मेलनमां हाजरी आपी हती। सम्मेलनमां प्रदेश महामंत्री रजनी पटेल, स्थानिक धारासभ्य, पूर्व सांसद सहित आगेवानो उपस्थित रह्या हता। મહેસાણાના ધારાસભ્ય મુકેશ પટેલ અને સાંસદ શારદાબેન પટેલે કેન્દ્રીય સડક પરિવહન મંત્રી સાથે મુલાકાત કરી હતી, જેમાં બંને અગ્રણીઓએ મહેસાણા ગુજારિયા રોડની ડિઝાઇનમાં બદલાવ માટે લેખિતમાં સૂચન કર્યા હતા। હાલની રોડની ડિઝાઇનને કારણે મહેસાણા ડીમાર્ટ સર્કલનો વ્યવસાય બંધ થઈ જાય એવી પરિસ્થિતિ સર્જાય છે, જેથી પાલવાસણા સર્કલ અને શિવાલા સર્કલ નજીકથી ડિઝાઇનમાં ફેરફાર કરવા નીતિન ગડકરી લેખિતમાં સૂચન કર્યા હતા। छोटाउदेपुर कुकरदा गामे दिवस भव्य उजवणी करवामां आवी। वर्षो जूनी परंपरा ने आदिवासी हजू पण जाळवी दिवासाना दिवस उजवे छे, जेमां युवतीओ एक ज कलरना ड्रेस पहेरी नृत्य करे छे अने युवको आदिवासी पीहा संगीत वगाड़े छे। आदिवासीओनो सौथी प्रिय त्यौहार एटले दिवासो मानवामां आवे छे, जे दिवाळी होळी करता दिवासाना त्यौहारनुं खूब महत्व रहेलुं छे। खेड़ाना उत्तरसंडा गाम में ठासराना तमाम गामडाओं में आजादी अमृत महोत्सव आयोजन कर मेरी मिट्टी मेरा देश कार्यक्रम योजायो हतो, जेमां नड़ियादना धारासभ्य पंकज देसाई, एसपी राजेश घड़िया, उत्तरसंडा सरपंच तेमज कार्यकरोए हाजर रह्या हता। कार्यक्रम में केन्द्र सरकार तमाम कामगीरी याद करी हती, जेमां सरकारे काश्मीर में 270 कलम हटावी पाकिस्तानना आतंकी प्रवृत्ति करता आतंकीओथी मुक्त करावी देशना नागरिकोनी सुरक्षा माटे पगला भर्या हता। बनासकांठाना दिवोदरमां खेडूत आगेवान पर थयेला हुमलाने पगले आजे खेडूतो दिवोदरथी गांधीनगर सुधी खेडूत न्याय यात्रानुं प्रस्थान करशे। खेडूतो गांधीनगर पहोंचीने धारासभ्य केसाजी चौहानना राजीनामानी मांग करशे। महत्वनुं छे कि थोड़ा दिवस अगाउ दिवोदरमां भाजपना धारासभ्य केसाजी चौहाणनी उपस्थितिमां अटल भूजल योजना अंतर्गत कार्यक्रम योजायो हतो।
जूनागढ़ मांगरोळ शहर में गैरकायदेसर बांधकाम बाबते शहर भाजप प्रमुख द्वारा फरियाद कराता बिल्डर तेमज भाजप प्रमुख आमने सामने आया है। शहर में चालता गैरकायदेसर बांधकाम अटकाववा भाजप प्रमुख द्वारा लिखित में रजूआत करवामां आवी हती, जे अंगे बिल्डर ना बांधकाम अटकी जता बिल्डरो लाल घूम थया हता अने बिल्डर पासेथी भाजप प्रमुख द्वारा रूपया 25 लाख की मांग कराई होवाना आक्षेप थई रह्या छे। वेरावल में सरकारी अनाज बारोबार वेची नाखवाना कौभाड़ो पर्दाफाश करवामां आव्यो छे। ज्यां टीबड़ी गामना भाग्यलक्ष्मी सीट्स नामना कारखाना में गैरकायदेसर रीते सरकारी अनाज नो वेपलो झड़पायो, जेमा डेप्यूटी कलेक्टर की टीमें ओचिंतो दरोड़ा पाड़ता सामे आव्यो के सूत्रापाड़ा प्राची नजीक रेशनिंग ना सरकारी अनाज नो जंगी जत्थो झड़पायो छे। सूरतना मगदल्ला ब्रिज पास कोलसा भरेलू बार्ज फसायू हतु, जेटी पर कोलसा भरेला बार्ज खाली कराता एकाएक तणाई आवेला ब्रिज नीचे फसायू हतु। अगाउ पण चार बार्ज तणाई रहा था, जो कि हवे भरती आव्या बाद बार्ज आगळ वधी शकशे, परंतु ब्रिज ने नीचे फसायेली बार्ज ने हेमखेम थोड़े दूर सुधी बहार काढवामां आव्यो छे। बार्ज ब्रिज साथे टकरायू होवानी शक्यताने कारणे तंत्रे तपास शुरू करी छे। भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कोर्पोरेशन द्वारा महत्वपूर्ण जाहेरात करवामां आवी छे, जेमां भारतीय रेलवे द्वारा आगामी 31 ऑक्टोबर रोज राजकोट थी देशना अलग अलग तीर्थ स्थानों माटे ट्रेन उपाड़वामां आवशे। आईआरसीटीसी द्वारा पूरी काशी अयोध्या प्रयागराज माटे राजकोट थी स्पेशल ट्रेन दौड़ावामां आवशे। अमदावाद में रबारी कॉलोनी पास वस्त्राल मार्ग पर बंसीधर सोसायटी में रहते 40 वर्षीय अपहरणित युवक अंगों परिवारजनों एलजी होस्पिटल में अंगदान करते। मनीष पंचालू एक्टिवा स्लीप थे गंभीर इजाग्रस्त थोड़ा त्यारबाद सारवार अर्थे खसेड़ाता तबीबोए ब्रेन डेड जाहिर करू, जे बाद परिवारजनों युवक अंगों अंगदान करने निर्णय लीधो। युवक की बे किडनी बे लीवर आंखों हृदय सहित 7 अंगों दान थी 7 अन्य व्यक्तियों जीवन में प्रकाश पथराश। एलजी होस्पिटल अलग अलग तबीबों की टीमों अंगों लेवा प्रक्रिया हाथ धरी थी। आज विश्व सिंह दिवस है, तरह सासणगीर खाते विश्व सिंह दिवस की भव्य उजवी कराई, जमा सासणगीर डीसीएफ डॉक्टर मोहन राम द्वारा सिंहना मुखोटा पेम्पलेट सीडीओ वितरण कर दरमियान एक रेली आयोजन कर शाला में तमाम बाड़कों शिक्षकों स्थानिक बहोड़ी संख्या में रेली में जोड़ाया था। महत्व है कि सिंह मात्र गुजरात गीर ने नहीं पर विश्व निशान है। विश्व आदिवासी दिवस की उजवणी दरमियान भूपेन्द्र पटेले मोटी जाहेरात करी हती। राज्यना अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों शैक्षणिक हित में राज्य सरकारे महत्वपूर्ण निर्णय लीधो छे, जेमां अभ्यासक्रम में फी रूपया 6 लाख करता वधु होय तेवा अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों की वधारानी रकम राज्य सरकार चूकवशे। सूरत में आजादी का अमृत महोत्सव की पूर्णाहुति ने यादगार बनावा जिला कलेक्टर नागरिकों ने अनुरोध कर्यो हतो। मातृभूमि ने नमन और देश सपूतों ने श्रद्धांजलि आपवा माटे तारीख 9 થી 11 ઓગસ્ટ देशभर में मारी माटी मारो देश अभियान अंतर्गत कार्यक्रम योजाशे। सूरत जिलाना तमाम गाम में 75 जेटला रोपाओ वावीने तेनी जाळवणी माटे वन विभाग साथे संकलन करायो हतो। अमदावाद सरखेज में शीतला माता मंदिर पास एक मकान में गैस गीजर में आग लागी थी, जेना कारणे घर में रहेला 7 लोग दाजी जता सारवार माटे होस्पिटल में खसेड़वामां आव्या हता। फायर ब्रिगेडे भारे जहमत बाद आग पर काबू मेळव्यो हतो। गैस सिलिंडर काढ़ी लेता मोटी दुर्घटना टळी हती। अमदावाद सोला सिविल होस्पिटल में सगीरा साथ दुष्कर्म आचर्यो हतो। 17 वर्षीय सगीरा दादी की आंखनी सारवार माटे होस्पिटल में आवी हती। आंख विभाग ओटीए सगीरा साथ दुष्कर्म आचरता सगीरा गर्भवती थी हती। सगीरा शहर कोटड़ा विस्तार में भ्रूण निकाल कर्यो हतो। पुलिस ने भ्रूण मळी आवता तपास करता सगीरा पासे पहुंची थी। सगीराए दुष्कर्म की सोला पुलिस मथके फरियाद नोंधावता सोला होस्पिटल आंखना विभाग में ओटी तरीके काम करता महेश ठाकुर विरुद्ध फरियाद नोंधाई छे। गुजरात एटीएस द्वारा पकड़वामां आवेला 3 आतंकियों ने मामले रोज नवा खुलासा सामे आवी रह्या छे। त्यारे तपास में वधु एक खुलासो सामे आव्यो छे, जेमां सामे आव्यो छे कि आरोपीओ छेल्ला 1 વર્ષથી અલકાયદાના સંપર્કમાં હતા, તેમજ આતંકીઓ ટેલિગ્રામ મારફતે જિહાદી પ્રવૃત્તિઓની સોફ્ટ કોપી મંગાવતા હતા। તો હાલ આતંકીઓ દ્વારા પ્રભાવિત કરવાની કોશિશ કરવામાં આવેલ 15 યુવકોના નિવેદનો લેવામાં આવ્યા છે।
सुरेन्द्रनगर जिल्लो हवे तो गांजा सप्लाय नु नेटवर्क बनी गयु छे। जिल्लाना भोजपुरी में गांजा नु खेतर झड़पाया बाद चोटीलाना आणंद पर गाम तरफ थी गांजा नो जत्थो लई जता आधेड़ की अटकायत करवामां आवी छे। एसओजी पोलीसे आधेड़ पासे थी 813 ग्राम गांजा नो जत्थो जप्त कर्यो छे। गत रोज भोजपुरी गामे गांजा नु वावेतर करेला खेतर ने एसओजी पोलीसे झड़पी पाड्यु हतो। अमदावादना बोपल में ईडीनी नकली ओळख आपनार अधिकारी ने झड़पी लेवामां आव्यो छे। टेन्डर आपवाना बहाने ईडीनो नकली अधिकारी बनीने रूपिया 1.50 करोड़नी ठगाई आचरी थी, जेमा नकली ईडी अधिकारी ओमवीर सिंह जाते बोगस आईकार्ड बनाव्युं हतुं, जेमा आईआरएस एडिशनल डायरेक्टर एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनांस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लखेलू आईकार्ड बनाव्युं हतुं, जेना आधारे एक वेपारी ने टेन्डर आपवानी लालच आपी 1.50 करोड़ रूपिया पड़ाव्या हता। राजकोट में गुजरात मेडिकल सर्विस कोर्पोरेशन लिमिटेड गोडाउन में कौभांड सामे आव्यु छे, जहां सरकारी दवा जत्थो बारोबार वेची नाखवामां आवतो होवानी आशंका व्यक्त करवामां आवी छे। बजार में खरीदायेली दवा जत्थो सरकारी चोपड़े चढ़ावी त्यारबाद स्टीकर दूर कर बारोबार वेचाण थतु होवानु सामे आव्यु छे। तो हाल कौभांड की आशंका ने पगले गांधीनगर की टीम तपास माटे पहोंची छे। जेतपुर तालुका ना डेडरवा गाम में सगीरिया गम्य कारणसर पोताना गड़े फांसो खाईने जीवन टूंकावानो अंत आण्यो छे। सगीर सुजम जयेशभाई मकवाणाए अगम्य कारणोसर मौत ने वहालू करता परिवार में शोक नो माहौल छे। सगीर ने लाश ने पोस्टमार्टम अर्थे जेतपुर सरकारी होस्पिटल खाते खसेड़वामां आवी छे। घटनाना पगले जेतपुर तालुका पोलीसे तपास हाथ धरी छे। आणंदना नेशनल हाईवे पर गमखार अकस्मात सर्जायो हतो। कार ट्रक में घुसी जता अकस्मात सर्जायो हतो, जेमा कार चालकनु कमकमाटी भर्यु मौत निपजू छे। जो कि अकस्मात नु कारण हजु अकबंध छे, पण स्थानिक पोलीस घटनास्थले पहोंची कार्यवाही हाथ धरी हती। गंभीर अकस्मातना पगले स्थानिकोना टोळे टोळा उमटी पड्या हता। विविध स्वामीनारायण संप्रदाय गुजरात उपरांत देश विदेश में अनेक मंदिरों है, जहां परंपरागत रीते पाडोत्सव उजवाता हो। कुमकुम स्वामीनारायण मंदिर संस्था यूके में आ मंदिर में 10मो पाडोत्सव उजवायो हतो। 5 दिवस चाले आ महोत्सव में शोभायात्रा योजना। लोकसभा में सरकार सामने लावा विश्वास प्रस्ताव पर आज चर्चा तीजो और छेलो दिवस है। तीजा दिवसे चर्चा की शुरूआत करता नाणामंत्री निर्मला सीतारामने कहूं कि विश्व मंदी का सामनो कर रही है, जयरे भारत सौथी झड़पी विकास कर रही है। अर्थतंत्र सरकार सामान्य लोगों माटे घणी योजनाओं लावी छे। गरीबों ने हटाओ 6 दायका सुधी सांभळता रह्या, पण शुं खरेखर गरीबी दूर थई छे? यूपीए सरकार दरमियान गरीबी दूर थई नथी, परंतु अमारी सरकारना कार्यकाळमां गरीबो दूर थई गया छे। संसद में छेल्ला 2 दिवसथी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चाली रही छे, त्यारे अमित शाहे ग्रुप में कह्युं छे कि हुं आखा देशने कहेवा मांगु छुं कि हिंसाना समाचार जोईने वडाप्रधानने मने रात्रे 4 वागे अने बीजा दिवसे सवारे 6:30 वागे फोन कर्यो हतो, अने विपक्ष कहे छे कि मोदी जराय चिंतित नथी, अमे 3 दिवस सुधी सतत काम कर्युं, 16 वीडियो कॉन्फरन्स करी, 36,000 सीएपीएफ जवानोने तात्कालिक राज्यमां मोकलवामां आव्या हता, वायुसेना विमानों उपयोग कर्यो, मुख्य सचिव और डीजीपी बदलया, तेमज हिंसा शुरू थे 24 कलाक की अंदर कार्यवाही कर। लोकसभा में मोदी सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में राहुल गांधी भाषण की चर्चा दरेक जगह थी रही है, परंतु जो कोई आ भाषण ने धार आप खास भूमिका भजवी हो तो माता सोनिया गांधी मीडिया अहेवाल मुजब जारे राहुल गांधी लोकसभा में भाषण आपी रहा था त्यारे सोनिया गांधी तेमने समय समय पर मार्गदर्शन आपता जोवा मळ्या हता, जेथी तेमना शब्दों सरकार पर योग्य जग्याए वाके। राहुल नी सामे बैठेला सोनिया गांधी तेमने सलाह आपता रह्या, तेथी राहुले पण मातानी सलाह स्वीकारवामां मोडुं न कर्युं। लोकसभा में कांग्रेस सांसद के सुरेशे जणाव्युं छे कि सदन में अमित शाहे मणिपुर की वर्तमान स्थिति विषय कोई बात करी नहीं, आ साथ ज मणिपुर में शांति स्थापवा माटे केन्द्र सरकार द्वारा शुं पगला लेवामां आव्या तेना विषे पण सदन में कोई टिप्पणी करी नहीं। कांग्रेस नेताए दावो कर्यो छे कि मोटाभागना समय अमित शाहे जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी की मनमोहन सिंह कार्यकाल दरमियान बनेली घटनाओं पर टिप्पणी करी हती। अमित शाहे सदन में मोटाभागना समय कांग्रेस पार्टी और अगाउनी यूपीए सरकार पर टिप्पणियों करी, तेमणे वास्तविक मुद्दों पर कोई खास टिप्पणी करी नहोती।
स्वतंत्रता दिवस ने आड़े गणतरी दिवसों बाकी है। आगामी 15 ऑगस्ट रोज दिल्ली सहित देशभर में स्वतंत्रता दिवस की उजवणी करवामां आवशे। देशवासीओ आजादी रंग में रंगाशे त्यारे आ स्थिति वच्चे खालिस्तानी समर्थक आतंकी पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसी आईएसआई साथे मळीने दिल्ली एनसीआर में मोटो आतंकवादी हुमलो करी शके छे, जेना पगले आजादी पर्व ने लईने राजधानी दिल्ली में सुरक्षा में वधारो करवामां आव्यो छे। हिमाचल प्रदेश में वरसादी कहर यथावत है। हिमाचल सिरमौर में फरी एक बुधवार रात्र आग फाटवा की घटना बनी थी, जेना लीधे विनाशना दृश्य सर्जाया। एक परिवार 5 सभ्य गुम थी गया था। आग फाटवा पूर कारण सिरमौरी ताल गाम 3 घर नुकसानग्रस्त थे। 2 घर ने बचा लेवाया था, जो कि एक परिवार 5 सभ्य ने हज सुधी कोई भाड़ मिली नहीं। तंत्र ने स्थानिक अधिकारी आखी रात बचाव कामगी हाथ धरी है। हिमाचल प्रदेश में पूर कारण मार्गो ने थे नुकसान विषे बात करता प्रदेश महसूल मंत्री जगत सिंह नेगीए जुं कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने स्थिति निरीक्षण करूं। कालका शिमला जता नेशनल हाईवे ने फरीवार खुल्लो मुको। प्रदेश में मोटाभागना नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर वाहन व्यवहार शुरू कर राज्य में 160 जटा मार्गो एवं है कि जेनु समारकाम चाली रू। हिमाचल में भारे वरसद पूर संबंधित घटनाओं कारण कुल 223 लोग जयरे 295 लोग इजाग्रस्त थे। आ साथ जहां 800 घर संपूर्णपणे नष्ट थी गया था, जयरे 7500 घरों ने क्षति पहुंची थी। राजस्थान में आ वर्ष विधानसभा की चूंटी योजना है। चूंटी पहला मतदारों ने रीझा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा मोटो दाव रमो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ओबीसी मतदारों ने रीझा मोटी संख्या में जाहरात की। गहलोते राजस्थान में ओबीसी अनामत 21% थी 27% ने मूलभूत ओबीसी माटे अलग 6% अनामत की जाहरात करी है। आ साथ राजस्थान में जातिगत वस्ती गणतरी करवानी पण जाहरात करी छे। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोते जणाव्यु छे कि दलित पछात वर्ग लोग की स्थिति जाणवा माटे जाति आधारित जनगणना थवी जोईए। राजस्थान में जाति आधारित जनगणना शुरू कर प्रदेश में ओबीसी समुदाय 21% अनामत उपलब्ध कर जयरे वारा 6% अनामत ओबीसी वर्ग ने उपलब्ध करवा विषे राज्य सरकार विचारणा कर रही है। लोकतंत्र में विश्वास न राखनार ताकातों सामे राहुल गांधी लड़त शुरू करी है। राजस्थान सरकार शासनकाल दरमियान कल्याणकारी योजनाओं पर भार आप प्रदेश में फरीवार कांग्रेस की सरकार बन सी आशा व्यक्त करूं।